अंग्रेज शासक कर्नल डिक्सन ने 1 फरवरी 1836 को जिस ब्यावर शहर की नींव रखी वो आज इतिहास के पन्नों में 186 वर्षीय का सफर पूर्ण कर चुका है। समय के साथ साथ शासन व प्रशासन बदलते गए, लेकिन इतने लंबे सफर के बाद भी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में नया नगर के स्थान पर ब्यावर शहर का नाम दर्ज नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार स्थापना के बाद शहर में नया नगर नरसिंहपुरा फतेहपुरा दोयम सैदरिया नाम से पटवार मंडल स्वीकृत है। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में शहर का नाम ब्यावर के बजाय नया नगर दर्ज है, जिससे ब्यावर शहर को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं भारतीय रेलवे में भी ब्यावर का नाम गलत बीवर अंकित है, जिसके कारण करोड़ों का राजस्व देने के बावजूद भी इस शहर को विभिन्न रेल सेवाओं का अपेक्षित लाभ इसे नहीं मिल पा रहा है। मामले का खास आलम यह है कि वर्ष 2005 में जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा जारी पत्र की अनुपालना में 21 फरवरी 2006 को नगर परिषद ब्यावर की विशेष साधारण सभा में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर नया नगर के स्थान पर ब्यावर अंकित कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के लिए प्रपत्र जिला कलेक्टर अजमेर को भिजवाए गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उक्त कार्यवाही को 2 दशक का समय बीत जाने के बाद भी आज तक राजस्थान राजपत्र में नया नगर के स्थान पर ब्यावर अंकित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन पर पाइए आकर्षक ऑफर। जय स्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देवे और पाइए आकर्षक ऑफर। 2 माह के विज्ञापन पर अतिरिक्त 1 माह फ्री ऑफर सीमित समय के लिए, तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829050867।